सामने हो फिर भी दिल बेकरार है, तुम सामने हो। ए लड़का मोबाइल रखो अंदर, क्यों मोबाइल निकाला है, रखो। कहना चाहिए जो अपने रक्त समर्पित करने के लिए समय का इंतजार करते रहते हैं कि कब 3 महीना हमारा पूरा होगा, और एनी टाइम तैयार रहते हैं दूसरों के लिए भी, जब कभी भी किसी को आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से इनका कॉल आता है कि फलाने जो मरीज हैं इनकी मदद कीजिए, और निश्चित रूप से उनकी मदद होती है। एक दूसरे को देख करके ही रक्तदान करना सीखे, जैसे आप जो है बार बार लाइव दे रहे थे लेकिन हमसे आपको कोई बात नहीं होता था, बस फेसबुक के माध्यम से देखे तो सबसे पहले हम आपके कार्यक्रम में आँख अस्पताल में आए थे। अच्छा जी, हाँ हाँ, वहाँ पे कोई सम्मान समारोह था, हम आए थे फर्स्ट बार आपके संस्था के माध्यम से, फर्स्ट टाइम हम वहाँ आए थे, लेकिन इससे पहले भी हम 2 बार पटना में किए थे शशि जी के माध्यम से। नहीं नहीं, इससे पहले हम कर चुके हैं, हम 2 बार पटना में किए थे और 2 बार दिल्ली में कर चुके थे, और यहाँ पर अभी आपने कितने बार रक्तदान किया है? ये मेरा आज का लेकर के हो गया 10वां। 10वां रक्तदान है, चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से सदैव स्वस्थ रखें और अपना कीमती रक्त समर्पित करते रहें। हम पागल मैडम तोहर नथिया पर